हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इजी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बनाने वाले हैं। ये देखिए, देखने में ही इतने मज़े का लग रहा है, अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल और इसके अंदर डाल देंगे कर्ड यानी दही। इसके अंदर पानी था तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है 5 मिनट के लिए। और ये हाफ़ अ लीटर दही है जिसको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। दही गाढ़ी होनी चाहिए पनीर टिक्के के लिए, तभी इसके पनीर के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छे से होगी। अगर पानी पानी होगा तो मसाले की कोटिंग अच्छी नहीं होगी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे रेड चिली पाउडर। ये तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और ये 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर और ये 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सारे मसाले हम 1 टीस्पून ही लेंगे और ये चाट मसाला भी 1 टीस्पून और ये तंदूरी चिकन मसाला ये भी 1 टीस्पून ही लेंगे। हम सारे मसाले इसमें 1 टीस्पून ही लेने वाले हैं। और ये है बेसन यानी चने का आटा जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है एक बार 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसका कलर देख सकते हो, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून्स फुल लूँगी और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देंगे और ये लेमन जूस है, मैंने एक बड़ा लेमन लिया है और उसका सारा जूस डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल को। और ये फूड कलर, रेड फूड कलर लेंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कलर अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है, पहले थोड़ा डाल के देख लेंगे, अगर कलर अच्छा आ गया हो तो कोई बात नहीं वरना और डालेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून अभी डाला है, 1/4 टीस्पून फिर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इसको ताकि सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं एक दूसरे के साथ। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सारे मसाले ऐसे ही अच्छे से मिक्स करते रहिए और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ऐसा करने से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी नहीं होगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर फूड कलर कम लग रहा था तो मैंने 1/4 टीस्पून फूड कलर और डाल दिया है। लाइटिंग की वजह से आपको शायद इसका कलर अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी पनीर टिक्के का कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए, अब ये सारा अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं ये पनीर क्यूब्स लूँगी, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में। मैंने तकरीबन 1/2 किलो पनीर लिया है, ये होममेड पनीर है, आप बाहर से भी ले सकते हो। ये देखिए, मैं पहले 1/2 क्यूब्स डाल दूंगी इसमें यानी 250 ग्राम्स पहले डालकर इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच से मिक्स मत कीजिए, चम्मच से मिक्स करेंगे तो पनीर टूट जाएगा। बस एक बार मिक्स कर लीजिए और बचे हुए पनीर भी इसके साथ डाल देंगे।
ये अब अच्छे से एक बार मिक्स हो गए हैं और बचे हुए पनीर भी अब इसके अंदर डाल देंगे। सारा पनीर एक साथ डाल देंगे तो पनीर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम थोड़े थोड़े पनीर करके डालते जाएंगे और एक बार मिक्स करते जाएंगे। ये लीजिए, इस सारे पनीर डालकर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनकी कोटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। ये देखिए, आप दिख रहा होगा। अब इन सारे पनीर के क्यूब्स को हम एक दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। हमें मसाले को निकालना नहीं है, बस पनीर को उठाना और इस तरह से प्लेट में रख लेना है। और इस मसाले को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ये रेड बेल पेपर यानी रेड शिमला मिर्च, और ये येलो शिमला मिर्च, ये ग्रीन शिमला मिर्च यानी बेल पेपर्स, और ये अनियंस लिया है दो। मैंने सारे एक एक ले लिया है और अनियंस को दो लिया है मीडियम साइज़ का। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ले सकते हो। और इस मसाले के अंदर इन सबको डाल दीजिए और अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। हाथ से मिक्स करिए, ऐसा करने से सारे वेजिटेबल्स के अंदर तक मसाला अच्छे से लग जाएगा। और इन सबको एक बार साइड्स में रख लीजिए और स्क्यूअर्स में अल्टरनेट वेजिटेबल्स और पनीर को रखिए। पनीर के दोनों तरफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, वरना पनीर टूटने के चांसेस बहुत हो जाएंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। पनीर को अब हम अच्छे से भून लेंगे बारबेक्यू पे। साइड पर चिकन भी भून रहे हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं हर तरफ से पनीर को बटर से ब्रश कर लूँगी और हर तरफ से इसको भून लेंगे। 5 मिनट के अंदर पनीर भूनकर तैयार हो जाएगा। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, बारबेक्यू तैयार नहीं कर सकते, तो आप इसको तवे पर ऑयल ब्रश करके बैम्बू स्क्यूअर्स में लगाकर इसी तरह से उसको भून सकते हो, वो भी तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पनीर और चिकन दोनों की भुनाई कर रही हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। इस पर लेमन ड्रिजल करके खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी पनीर टिक्का बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल होममेकर नगमा को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो।